नानी थी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कि कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई भी परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी का सामना नहीं कर पाता। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे टीकमपुर जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ, मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं यही हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। क्या संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है, अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से चार पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है और उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वो लोगों को शराब पिलाता है, अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला था वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसा बोलते ही, ये मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन,
मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती हूँ। जो होना था वो हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर से तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो इच्छाधारी नागिन के साथ साथ सारे गांव वालों से माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन दो गांव की रक्षा करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा। एक बड़ी झील के किनारे मछुआरों का एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग अपने घर का गुजारा मछलियां पकड़ कर ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उन झीलों से मछलियां कम होती जा रही थी। उसी गांव में सलीम नाम का एक आलसी मछुआरा रहा करता था। अरे सलीम भाई, क्या हुआ, सो क्यों रहे हो? अरे भाई, 5 बार जाल डाल चुका हूँ, कुछ हाथ नहीं लगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारी तरह बेकार की मेहनत कौन करे? हाँ भाई, हमको तो आदत है, परिवार भी तो चलाना है, क्या पता कोई अलादीन का चिराग ही हाथ लग जाए। तुम करो बेकार की मेहनत, मैं तो घर चला। और ये बोलकर वो अपना जाल उठाकर घर की तरफ चल देता है। क्या हुआ, आज खाना बहुत कम बनाया है? पिछले 1 महीने से आपका काम ठीक नहीं चल रहा, आगे पता नहीं और कितने दिन तक यही हाल रहेगा। और हाँ, सलमा बता रही थी कि आप झील के किनारे जाकर सो जाते हो। अरे सलमा को बोलना मुझे मत सिखाए, अपने घर की तरफ ध्यान दिया करे। आपको तो अगर अलादीन का चिराग भी मिल जाए तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता, इतने आलसी हो आप। सलीम को सोते वक्त अचानक अलादीन के चिराग वाली बात याद आती है और अगले दिन वो अपने परिवार से कहता है, मैं किसी और झील की तलाश से बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिन लग जाए। ये कहकर वो अलादीन के चिराग के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसको एक झील नजर आती है। क्यों ना यहाँ पर जाल बिछा कर देखा जाए। वो हमेशा की तरह 5 बार जाल फेंकता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। अपनी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो जाल निकालता है अचानक उस जाल में उसको एक बोतल नजर आती है। उस बोतल को जैसे ही वो खोलता है अचानक उस बोतल में से एक जिन निकलता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था। ओए जिन, अब बाहर आकर मुझ पर सोने की बारिश कर और कर दे मुझे माला माल। अरे ओ पागल इंसान, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तो इस बोतल में बंद था और मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं सबसे पहले उसी की जान लूंगा। अरे भाई जिन, मुझे मत मारो। जिन भाई, मुझे अपने घर जाने दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। चल ठीक है, तेरी जान एक शर्त पर बख्श दूंगा, अगर इसी झील से तू मुझे 1000 मछलियां पकड़कर खिला दे तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर सलीम कई बार जाल फेंकता है और शाम तक वो 1000 मछलियां पकड़ लेता है। अरे जिन, ये ले मछलियां, अब मेरी जान बख्श दे, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। ए आलसी इंसान, जा अब इन्हें बेच और अपने परिवार का गुजारा कर, ये मछलियां तेरी मेहनत की है, मैं तो तुझे मेहनत सिखाना चाहता था। ये सब सुनकर सलीम की आंखें भर आती हैं। जिन उसे दोनों हाथ आगे करने को कहता है और उसके हाथों को सोने के सिक्कों से भर देता है। ए जिन, मैं अपने परिवार को जादू से नहीं अपनी मेहनत से आगे बढ़ाऊंगा,
ये कहकर वो इन सिक्कों को लौटा देता है। बहुत खूब, अब मुझे इस बोतल में बंद कर दो और फेंक दो इसी पानी में, देखते हैं आगे कौन मिलेगा। वो जिन को उसी बोतल में बंद करता है और पानी में फेंक देता है और खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अलादीन का चिराग छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।